डिसीजन को तुरंत निरस्त किया जाए और अपनी मांग मनवाने के लिए सरकार से प्रार्थना करेंगे। साथ ही हमने यह भी निर्णय लिया कि अगर निर्णय हमारे पक्ष में नहीं लिया जाता है तो भाटी के लोग यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठेंगे जब तक कि यह निर्णय जनता के पक्ष में नहीं लिया जाता। दुकानें लगी है वो रुक जाएगी, वो क्या नाम करेंगे भाई, बेरोजगार हो जाएंगे वो। जिला कुल्लू के खराहल घाटी के बिजली महादेव मंदिर के लिए अब रोपवे निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो वहीं इसके लिए 8 कंपनियों के द्वारा निविदाएं भी भरी गई है। लेकिन इससे पहले अब ये रोपवे विवादों में घिरना शुरू हो गई है। खराहल घाटी के लोगों की मांगों को देखते हुए अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के द्वारा डीसी कुल्लू के माध्यम से एक ज्ञापन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को भेजा गया है, जिसमें ये मांग रखी गई है कि बिजली महादेव रोपवे के निर्णय को रद्द किया जाए और इससे अच्छा है कि राहल घाटी की सड़कों को चौड़ा किया जाए। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष जितेंद्र राजपूत ने बताया कि इस रोपवे बनने से खराहल घाटी को कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि फिर रोपवे के माध्यम से पर्यटक व अन्य श्रद्धालु महादेव मंदिर पहुंचेंगे। प्रदेश उपाध्यक्ष जितेंद्र राजपूत ने बताया कि यहां पर लोगों ने स्वरोजगार के लिए बैंक से कर्ज लेकर टैक्सी भी ली है और रोपवे बनने से टैक्सी चलना बंद हो जाएगी तथा कई लोग बेरोजगार हो जाएंगे, तो वहीं रोजगार के लिए छोटे छोटे होटल दुकान में भी ग्रामीणों के द्वारा खोली गई है जो उन्हें रोजगार मुहैया करवाती है। वहीं स्थानीय ग्रामीणों ने जिला प्रशासन व सरकार से मांग रखी है कि 4 मई तक इस पर फैसला लिया जाए ताकि खराहल घाटी के लोगों का रोजगार चलता रहे। अगर इस पर निर्णय नहीं लिया गया तो खराहल घाटी के लोग आंदोलन भी कर सकते हैं। खराहल घाटी के जो हमारी अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के टीम मेंबर्स हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, हमारे भाई हैं, इन्होंने मेरे से संपर्क किया और उन्होंने कहा कि जितेंद्र भाई हम इसका विरोध करना चाहते हैं। तो जब इनसे पूछा कि विरोध क्यों करना चाहते हैं, इन्होंने ये कहा कि जितेंद्र भाई अगर ये रोपवे हमारे खराहल घाटी में लगता है तो सबसे पहले तो हमारे जो देव संस्कृति है उस पे एक धब्बा लगने की संभावना है। जैसा कि हम सभी ने देखा कि जितने हमारे देवी देवता के स्थान है वहाँ पे अगर इजीली अवेलेबिलिटी हो जाती है ट्रांसपोर्टेशन की या पर्यटक वहाँ पे आसानी से आने लग जाते हैं, तो हमारा जो स्थानीय देवी देवता हैं यहाँ पे कई रीति रिवाज अपने कल्चर हैं, कई मान्यताएं हैं, वो सारी मान्यताएं फिर खत्म हो जाती हैं, वो जूट पड़ना वहाँ पे शुरू हो जाती है। सेकेंड चीज हमें यहाँ इस तरह से देख रहे हैं कि खराहल घाटी के अंदर जो कि लगभग 8-9 पंचायत का एरिया है, चाहे हम बैक साइड में भ्रहण का एरिया ले लें या फ्रंट में हम खराहल का एरिया ले लें, यहाँ पे रामशिला से लेकर के ऊपर बिजली महादेव तक काफ़ी सारे परिवारों ने अपनी छोटी छोटी दुकानें खोली हुई हैं, कईयों ने टैक्सियां ली हुई हैं, कई ने होटल खोलना शुरू कर दिए, कई ने कॉटेज खोलना शुरू कर दिए। वो इस पर्पज से कि हर साल यहाँ पे लाखों श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं, तो ये जो रोजगार है, टैक्सी का रोजगार है या रेस्टोरेंट का रोजगार है या छोटी छोटी दुकानों का जो रोजगार है, ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। क्योंकि लोग क्या करेंगे, लोग तो फिर माहौल से अपना रोपवे में बैठेंगे, 100 रुपये का टिकट देंगे, ऊपर जाएंगे, माथा टेकेंगे, वापस आ जाएंगे। तो स्थानीय लोगों के रोजगार को फर्क पड़ रहा है। और सबसे मुख्य बात यह है कि बिजली महादेव जी सबसे पहले खराहल फाटी के देव हैं, वो खराहल घाटी के अंदर हैं। तो अगर वहाँ खराहल फाटी में उसके अंदर कोई भी डेवलपमेंट का काम होता है तो उसका डायरेक्ट बेनिफिट और इनडायरेक्ट बेनिफिट सबसे पहले खराहल फाटी के लोगों को, वहाँ के स्थानीय लोगों को मिलना चाहिए। और यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के लगने के बाद वहाँ के स्थानीय लोगों को शायद ही 1% बेनिफिट मिले, और जो मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा वो कौन ले जाएगा, बड़े बड़े बिजनेसमैन ले जाएंगे या बाहर के लोग आकर के ले जाएंगे। तो इसलिए खराहल फाटी ने यह मिलकर के निर्णय लिया है कि हम इस रोपवे कार्यक्रम को या इस प्रोजेक्ट को नहीं लगने देंगे, जिसको लेकर के आज अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की अध्यक्षता में हम प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को और भारत सरकार के सड़क एवं परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी को जिलाधीश कुल्लू के माध्यम से एक ज्ञापन सौंप रहे हैं और उनसे मांग कर रहे हैं कि इस डिसीजन को तुरंत निरस्त किया जाए। और हम समस्त खराहल फाटी की तरफ से, समस्त 9-10 पंचायतों की तरफ से यह एक बात भी बोलना चाहते हैं आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से कि अगर 4 मई तक प्रदेश सरकार ने या हमारे जिला कुल्लू के विधायक महोदय जी ने यह निर्णय नहीं बदला, इस रोपवे प्रोजेक्ट को बंद नहीं किया, तो भारी संख्या में खराहल फाटी से और भ्रहण फाटी से लोग उतरेंगे और एक आक्रोश रैली का यहाँ पे प्रदर्शन करेंगे और अपनी मांग मनवाने के लिए सरकार से प्रार्थना करेंगे। साथ ही हमने यह भी निर्णय लिया कि अगर निर्णय हमारे पक्ष में नहीं लिया जाता है तो भाटी के लोग यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठेंगे जब तक कि यह निर्णय जनता के पक्ष में नहीं लिया जाता। जैसे कि ये रोपवे लग रहा है ये हमें नहीं चाहिए। इसका मूल कारण ये है कि जैसे हमारी गाड़ियाँ हैं, टैक्सियाँ हैं, वो भी बंद हो जाएगी इससे, और उसके बाद होटल है और इससे भी बेरोजगार हो जाएंगे और जैसे कि बेरोजगार हो जाएंगे। मेरा नाम रीकराज, गांव पेचा,
रालवासी बिजली महादेव रोपवे से हमारे को कल लगभग 300-400 पेड़ जा रहे हैं, तो उससे भी हमारे को भारी नुकसान हो रहा है। जंगल तो हमारा खत्म हो जाएगा उससे, साथ में भी रोजगार भी उससे खत्म हो रहा है। युवा नौजवान साथी क्या करेंगे, पर्यावरण को भी काफ़ी नुकसान है इसमें, कम से कम 200-250 पेड़ लग रहे हैं जिसमें, और दूसरा जो रोड का भी इन्होंने स्कीम सोचा उसमें भी कम से कम 100 पेड़ लग रहे हैं, तो आप खुद ही सोच सकते इतना पेड़ जिससे पर्यावरण को नुकसान ही है। बस ये कहना चाहते हैं हम कि ये ना लगे तो ज़्यादा बेस्ट है हमारे लिए। हमारे को रोबे नहीं चाहिए, हमारो क्या नाम रोबे से हमारे को रोजगार क्या नाम हो रहा है भाई, नुकसान हो रहा है। हमारे छोटे बच्चे पढ़े लिखे हैं, वो पढ़े लिखे बच्चे बेरोजगार हो रहे हैं, छोटी छोटी गाड़ियां ली है वो भी क्या नाम हो जाएगा। मैं डीसी के पास आई हूँ ये बोलने के लिए भाई, हमारे को रोबे नहीं चाहिए, हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं वो बेरोजगार हो रहे हैं। वो दुकानें ना क्या नाम हो रहे हैं भाई, दुकानें लगी है वो रुक जाएगी, वो क्या नाम करेंगे भाई, बेरोजगार हो जाएंगे, वो छोटी मोटी दुकानें खत्म हो जाएगी ये रोबे लगने से। हमारे को रोबे नहीं चाहिए। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए कुल्लू से मनीष ठाकुर की रिपोर्ट।